हेलो एवरीबॉडी आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स आज हम इस वीडियो में कन्फेशन के बारे में जानेंगे कन्फेशन होता क्या है जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो जो एडमिशन से रिलेटेड है वो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है आप उसको ज़रूर देख लो वो देखनी क्यों जरूरी है ताकि आप इसको जो कन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझ सको ये कंसेप्ट कहते हैं मेन्स के लिए और प्री के लिए और इंटरव्यू के लिए तीनों स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये तो अगर हम मोटा मोटा देखें कोई भी आदमी बोलता तो क्या करता है स्टेटमेंट देता है अगर वो स्टेटमेंट किस चीज़ से सजेस्ट किस चीज़ को सजेस्ट कर रही है वो सजेस्ट कर रही है इन्फ्लुएंस एज टू इन्फ्लुएंस मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें सजेस्ट कर रही है किससे रिलेटेड कोई फैक्ट इन इशू फैक्ट इन इशू मतलब जिसके ऊपर पूरा केस है अभी ये मैटर है क्या कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था इस चीज़ से रिलेटेड या रेलिवेंट फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट कनेक्टेड उस केस से कैसे कनेक्टेड है ये चीज़ तो अगर वो उससे कनेक्शन से रिलेटेड या फैक्ट्री इशू से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए तो है एडमिशन अगर वही जो कहते हैं इन्फ्लुंस उस लेवल तक एक्यूज़ ने ही वो स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट इस लेवल तक सजेस्ट कर रही है कि इसी पर्सन ने गिल मतलब वो जो बोलने वाला है मेकर है उसी ने ऑफेंस करा है तो वो होता है कन्फेशन तो अगर हम देखें तो एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम डायग्राम में क्या होगा कि स्टेटमेंट एक जीनस है उसका जो बीच वाला सर्कल है जो उसका उसकी सब स्पीशीज़ क्या होगी एडमिशन तो मतलब स्टेटमेंट ही एडमिशन बन सकती है और उसकी भी सब स्पीशीज वही एडमिशन कन्फेशन का बनता है जब वो क्या है आ, वो वो उसकी सब स्पीशीज है तो सी बी आई वर्सिस सी बी आई वर्सिस वी सी सूकला का एक केस था उसमें ना इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया था कन्फेशन और एडमिशन के बारे में तो बोलते अगर कोई एक्यूज ने कोई स्टेटमेंट दे दी और वो स्टेटमेंट ऐसी हुई कि उसकी गिल्ट की तरफ सजेस्ट करे कि हाँ इसने ही ऑफेंस करा है तो वो कन्फेशन हो गया और वो वो पूरा क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाई या वो कहते हैं गिल्ट के बारे में नहीं बता पाई पर बाकी चीज़ों के बारे में बता रही है तो वो एडमिशन हो गया तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है अगर हम उसको देखें तो उसमें ना कन्फेशन को डिफाइन ही नहीं रखा उसको डिफाइन किस उसमें डिफाइन किसको किया हुआ है एडमिशन को सेक्शन सेवनटीन के अंदर पर हम सेक्शन सेवनटीन से लेकर थर्टी वन तक देखें तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ है इसको तो फिर हम मानेंगे क्या कि अभी कन्फेशन है क्या तो हम इससे ना एक लेजिसटिव इंटेंट देखेंगे हम कि लेजिस्लेचर ने ना इस हिसाब से इसको किया हुआ है कि जो एडमिशन है ना एडमिशन वाले ही सेक्शन कहते हैं कन्फेशन के लिए और एडमिशन से ही कन्फेशन होता है निकलता है अब प्री क्वेश्चन आ जाता है कि कन्फेशन या ये उसमें भी आ जाता है कहते हैं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एडमिशन रेलिवेंट कहाँ पे है तो एडमिशन रेलिवेंट तो भैया सेक्शन ट्वेंटी वन में हमने पढ़ा है बोलते कन्फेशन कहाँ पर रेलिवेंट है तो ट्रिकी क्वेश्चन है तो वो कन्फेशन भी कहाँ रेलिवेंट है ट्वेंटी वन में क्यों क्योंकि स्टेट में जो एडमिशन क्या है कि जीनस है उसकी सब स्पीशीज है कन्फेशन तो अगर हम सेक्शन सेवेंटीन वाली देखें डेफिनेशन उसमें क्या बोला था कि एडमिशन क्या है कि एडमिशन क्या है कि जो फैक्ट कहते हैं सजेस्ट कर रहे हैं इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट वो क्या हो गया एडमिशन पर वही फैक्ट अगर हम देखें कि वो स्टेटमेंट किसने दी है एक्यूज़ ने दी है और उसकी गिल्ट की तरफ वो कर रही है इशारा तो वो क्या हो गया कन्फेशन हो गया तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो एडमिशन है ना एडमिशन हमेशा क्रिमिनल केसेस पे भी लगता है और कहते हैं सिविल केसेस पे भी लगता है पर कन्फेशन हमेशा क्या होता है क्रिमिनल केसेस पे ही लगता है अब बात आती है जो ये डिफाइन नहीं कर तो इसको डिफाइन कहाँ किया होगा जो कन्फेशन है इसको डिफाइन तो किया नहीं हुआ पर कुछ तो डेफिनेशन होगी ना इसकी तो इसकी डेफिनेशन है ना वैसे तो स्टीफनस ने भी दी थी जिन्होंने कहते हैं हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट लिखी है पर वो डेफिनेशन है रिजेक्ट कर दी तो उसका हमारी प्रीवी काउंसिल का एक केस था पकला नारायण वर्सिस एम्प्रर का तो इसमें प्रीवी काउंसिल के जो लॉर्ड एटकिन थे ना उन्होंने डेफिनेशन दी कि या तो कहते जब कहते हैं कोई पर्सन अपने ऑफेंस को ही कहते एडमिट कर ले हाँ मैंने ऑफेंस करा मैंने मर्डर करा है। या फिर वो उस हिसाब से फैक्ट को एडमिट कर ले जिससे ये सजेस्ट हो कि कहते हैं हाँ ऑफेंस इस नहीं करा कि इतने सारे अब जैसे उसको करे कि हाँ मर्डर वाले दिन में कहते हैं उसी बिल्डिंग में था उसी मर्डर वाले दिन उसी रूम में था जो चा जिस चाकू से मर्डर हुआ कहते हैं वो कहते हैं मैंने ही खरीदा था हम दोनों के बीच में इम्यूनिटी थी उस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि क्यूमुलेटिवेक्ट बता रही है कि कहते हैं हाँ कि ऑफेंस इस नहीं कराए तो चाहे तो उसने खुद पूरी पूरी गिल्ट एक्सेप्ट कर ली या फिर उसने कहते हैं फैक्ट्स के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये कन्फेशन होगा अब क्या हुआ कि यही है ना ये तो प्रीवी काउंसिल की जजमेंट थी अब एक नया केस आया हमारे पास पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं जो पखला नारायण वाली जो स्टेटमेंट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया हाँ एक पखला नारायण को ना प्लीज़ याद कर लेना ये बहुत बार ये कहते हैं प्री के लिए भी इंटरव्यू के लिए भी और तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है डाइंग डेक्लेशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट केस है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टी में हम इसको दोबारा डील करेंगे अच्छे से इसके फैक्ट्स वगैरह को तो पलविंदर कौर में क्या हुआ कि पलविंदर कौर में ना उसकी जो डेफिनेशन दी थी ना लोड एटकिन ने वो एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़ पर इन्होंने एक बात और बोली कि वो जो पूरी जो स्टेटमेंट पर्सन देता है ना अपनी गिल्ट्स को लेके तो पूरी पूरी एक्सेप्ट करनी है आप ये नहीं कि कितने कुछ पे मान लो और कुछ ना मान लो तो पूरी चाहे तो पूरी को एक्सेप्ट करो या पूरी को रिजेक्ट कर दो अब ये चीज़ आई क्यों तो इस केस के अगर हम फैक्ट देखें तो वाइफ के ऊपर चार्ज लगा था और उसके फ्रेंड पे चार्ज लगा था इन्होंने अपने वाइफ ने अपने हस्बैंड को मारा पॉइजन देखे और उसको कुएं में डाल के वो चले गए तो यहाँ पे जब वाइफ पकड़ी गई तो वाइफ ने बोला कि सर बात ये हुई कि कहते मेरे पति करते हैं फोटोग्राफी का काम तो वहाँ पर केमिकल यूज़ होता है बहुत पॉइजनस होता है तो उनकी टेबल पर पड़ा हुआ था तो हस्बैंड मेरे बीमार थे तो मैंने वहाँ पर उनकी दवाई भी रख दी उसी टेबल पर उसी जगह पर तो वो गलती से वो ली गई उनसे पॉइजन लिया गया जो तो पॉइजन लिया गया तो वो एक्सपायर हो गए तो बोलते मैं डर गई तो मैंने क्या करा अपने फ्रेंड की हेल्प से लेकर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया और मैं भाग गई यहाँ से तो हाई कोर्ट ने क्या करा तो इस बात को कहते हैं देखा बोलते भी इसने दो टाइप की स्टेटमेंट दी है एक इनकल्पेटरी और एक एक्सपल्पेटरी तो इनकल्पेटरी कौन सी होती है जो अपने आप को ही आ, वो कर रही है जैसे सर हाँ मैं वहाँ थी मैंने उसकी बॉडी को डिस्पोज़ करा और मैं चली गई ठीक है तो ये इनकल्पेटरी जो उस आदमी को गिल्ट की तरफ लेके जा रही है एक्सकल्पेटरी क्या होता है कि उसको जो बचा रही है वो गलती थी मिस्टेक थी वहाँ वो दुआई भी थी ऐसे था तो बोलते उन्होंने इनकल्पेटरी पे वो करा रिलाई करा पर यहाँ पे उसको एक्सकल्पेटरी पे रिलाई नहीं करा तो इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट बोलते चाहे तो पूरी को एक्सेप्ट करो वरना फिर पूरी को रिजेक्ट कर दो आप ये नहीं कर सकते आप अलग अलग करो तो फिर एक बड़ा अलग केस आया निशिकांत जा वाला केस आया वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार यहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़के पर चार्ज लगा चार्ज लगा कि उसने उसके फ्रेंड को मारा है तो जब वो ट्रेन में उसकी मर्डर किया ट्रेन में उसका मर्डर हुआ तो सारी जगह खबर फैल गई भी ऐसे ऐसे एक बच्चे का मर्डर हुआ है तो वही लड़का के अगर जो एक्यूज़ था वो कहते हैं अपने कपड़े धो रहा था उसके वहाँ ब्लड लगे हुए थे तो पूछा किसी ने कैसे हुआ वो तो जी दो लड़के लड़ रहे थे ट्रेन में मैं बचाने लगा तो एक ने उसके चाकू मारा तो उसके छिट्टे मेरे पास लग गए ठीक है फिर उसे फिर वो जब पकड़ा गया तो किसी ने सजेस्ट कर दिया तो उसने फिर एक नई स्टेटमेंट दी स्टोरी बनाई कि मैं तो अपने अपने फलां फलां फ्रेंड के घर था या मैं अपने चाचा के घर था मतलब उसने पूरा अपना हर चीज़ से उसने एक्सेप्शन लेने की कोशिश करी उसने एला बाई भी लेने की कोशिश करी ठीक है उसने दूसरी स्टेटमेंट्स भी दी तो और तो क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिल्टी कर दिया क्योंकि उसकी जो आ, जो इनकल्पेटरी पार्ट था एक्सकल्पेटरी पार्ट था तो इनकल्पेटरी पार्ट था मैं उस ट्रेन में था वहाँ ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही थी तो ये चीज़ें और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे रिलाई करके तो उसको इनकल्पेटरी भी कर दिया तो बात उठी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या करा कि जो पिछले वाले जो केस था उसमें तो पलविंदर कौर को तो फिर ओवर रूल कर दिया तो बोलते ओवर रूल नहीं हुआ पलविंदर कौर में और इसमें एक डिफरेंस है पलविंदर कौर में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं थी पर यहाँ पे क्या थी इनकंसिस्टेंसी थी बहुत बार कि उसी चीज़ को बार बार वो कहते हैं उसने पलटी पलटिवी स्टेटमेंट उसकी स्टोरी मिली नहीं कहीं सिर्फ उसका ये था उस दिन वहाँ था ब्लड मिला तो वो सारे सारे चेन ऑफ सर्कमस्टांस कंप्लीट करके उसको गिल्टी प्रूव करा गया तो अब बात उठी कि फिर ये तो हुआ नहीं फिर अब एक्चुअल रूल क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पलविंदर कौर को फॉलो करे या इसको फॉलो करे बोलते वैसे तो पलविंदर कौर को फॉलो करना चाहिए पर जहाँ इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है ना तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कोई भी कोर्ट है ना वो क्या करेगी कि जो एविडेंस का इंकल्पेटरी पार्ट है ना उसको दूसरी चीज़ों से कोरोबरेट करके उसको गिल्टी प्रूव कर सकती है अब बात आती है कि कन्फेशन होते कितने टाइप के हैं वैसे तो मोटे मोटे कन्फेशन दो टाइप के होते हैं जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशियल जैसे हमने एडमिशन वाली वीडियो में भी देखा था और एक तीसरा ये हो सकता है कि जैसे खुद से ही बात कर रहा हो आदमी अपने आप जैसे साहू वाला केस था शाहू वाले में केस में क्या था कि उसने अपनी डॉटर इन लोगों मारा घर से बाहर निकल के वाह अब तो मैं रिलाई हो गया उसको आज तो ख़त्म ही कर दिया अब रोज की चिक चिक से बिल्कुल मुक्त हो गया मैं तो ये चीज़ क्या है ये इनकलपेटरी जो पार्ट है ना वो ये आ, ये क्या हो गया कि खुद से बात कर रहा था उसने किसी को बोला तो नहीं तो ये सेल्फ टॉकिंग भी कहते हैं कन्फेशन बन सकता है अब जो मोटे मोटे हैं जुडिशल कन्फेशन अब जुडिशल कन्फेशन का जैसे वन के जो बयान होते हैं सीआरपीसी के अंडर तो उनकी प्रिजम्पन होती है सेक्शन एट्टी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पन क्या होती है कि जो भी जज ने लिया हो सही लिया होगा तो 164 में क्या होता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस प्रोड्यूस करती है जिसके सामने ट्रायल ना चल रही हो ठीक है तो उसके पास प्रोड्यूस करेगी वो बताए उसको बोलेगा तेरे को कन्फेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको मतलब है कि उसको बोलेगा जरूरत नहीं है उसको पूरा कहेगा भी तेरी वॉलेंट्री करियो फ्रीली करियो ठीक है प्रेशर में मत करियो प्रेशर है तो वो बता तो फिर जो कन्फेशन कर देगा ना वो जुडिशल कन्फेशन हो जाएगा या जो जुडिशल रिकॉर्ड का पार्ट बन रहा है वो भी कन्फेशन हो जाएगा या बीच में ट्रायल चलते चलते कन्फेश करना चाह रहा है तो वो हो जाएगा तो ये जुडिशल कन्फेशन होता है तो इसके ऊपर कहते हैं नवतेज सिंह नहीं स्टेट ऑफ एन सी टी वर्सिस नवजोत संधू का जो केस है पार्लियामेंट्री अटैक केस भी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस है आई पी सी और एविडेंस एक्ट के लिए इसको प्लीज़ पढ़ो और सी आर पी सी के लिए भी कहीं ना कहीं तो इस केस को इसमें बोला था कन्फेशन तो हम सबसे हाईली लेवल मानते हैं क्यों मानते हैं क्योंकि कोई भी आदमी से अपने खिलाफ नहीं बोलेगा जब तक तो उसका जमीर ना बोल रहा हो उसकी अंतरात्मा नहीं बोल रहे हो भी अपने खिलाफ बोलने के लिए भी सच्चाई बता दे सबको तो इसलिए वो हाईली लेवल मानते हैं अब बात आ जाती है नेक्स्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो आउट ऑफ कोर्ट दिया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है अब जैसे के एम नानावती वाला केस था अब उसमें क्या हुआ था कि वो पर्सन था मगर दुरुस्ता मूवी देखी होगी आपने जैसे उसने मर्डर करा अपनी वाइफ के लवर का वो बाहर निकला वॉचमैन को जो स्टेटमेंट दिया वो कन्फेशन की तरह आ आगे ठीक है तो वो था एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन अब क्वेश्चन ये आता है कि कहते हैं जुडिशल और इस एक्स्ट्रा जुडिशल में ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है मतलब बोलते वीक नहीं है इसको ऐसी कोई प्रिजम्पन नहीं लेंगे हम कि वीक टाइप ऑफ एविडेंस है ये भी बराबर सेम फुटिंग पे रखेंगे हम दोनों को पर इसमें क्या है कि रूल ऑफ क्वेश्चन है कि आप क्या कर इसको कोरोबरेट करो ठीक है दूसरे उससे भी और अगर ना भी करो तो आप क्या करो कि उस पर्सन को बुलाओ जिसके सामने हुआ है वो पहले क्या करेगा डिपोज करेगा कोर्ट क्या कर हाँ जी मेरे मेरे सामने ये कन्फेशन करा इसने फिर उसके क्रोज एग्जामिनेशन होगी अगर वो टस से मस नहीं हुआ ना और बिल्कुल उसमें रिलायबिलिटी दिख रही है उसकी आंखों में तो उस पर कह सकते हैं हम क्या सकते हैं? कर सकते हैं उसको गिल्टी प्रूव कर सकते हैं ठीक तो अब एक होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं जैसे 164 सिक्सटी का कन्फेशन की बात हुई थी हमारी अब क्या हुआ कि जब प्रोसिक्यूशन की स्टेज खत्म होगी तो वहाँ तीन की बात आती है कि कोर्ट तीन सौ तेरह थर्टीन ऑफ सी आर पी सी उसमें कोर्ट पूछती है एक्यूज को जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो जाते हैं कि अब बताओ भाई कि कहते हैं क्या 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 है क्या नहीं तुम तुम्हा, तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं तो वहाँ कहते हैं जी ये तो पहली बात है जो है ना कन्फेशन झूठा है तो वो कह रहे हैं रिट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये कन्फेशन मेरा है ही नहीं है मेरे से वो एंट्री लिया नहीं गया ठीक है फोर्सफुली लिया गया है तो वो बात से मुकर कर रहे है। तब उस केस में क्या होगा कि उस कन्फेशन पर रिलाई कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका याकूब मैनन का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस है इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने भैया आप रिलाई तो कर सकते हो ठीक है पर एक रूल ऑफ क्वेश्चन है मतलब ऐसा रूल ऑफ एविडेंस नहीं है ठीक है रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है पर एक रूल ऑफ क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप क्या करो कोब्रेशन भी करो कहीं दूसरे मतलब दूसरे दूसरे एविडेंस जो उसने बातें बोई है क्या तक मिल रही है उसकी बातों से कन्फेशन वाली बात से जैसे हो कि हाँ हमने वेपन वहाँ से ख़रीदे थे वेपन ख़रीद के फिर हम कहते हैं यहाँ पे आए थे ठीक है फिर यहाँ से हमने इसे कहते हैं बैग्स वगैरह खरीदे जिसको छुपा सके फिर ये हमने ये बस ली तो ये सारी चीज़ें कहते हैं हो रही है और टिकट मैच कर रही है ये कहते हैं जिसे वेपन लिए थे वेपन वाला पकड़ा गया वो वही है क्या वो ट्रेन सारी चीज़ें जो अगर वो देखें ना खुरोबरेट हो रहा है तो उस पर भी आप कहते हैं रिलाई करके उसको गिल्टी मान सकते हो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू